नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। सबसे पहले, व्हेन टू और थ्री एडजेक्टिव्स ओके आर यूज टुगेदर, दे आर यूजुअली इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ओके, वो इस तरह के फॉलोइंग ऑर्डर में होते हैं। किस तरह के, आइए देखते हैं। जैसे क्वालिटी, ओके, कोई क्वालिटी है, कंडीशन है, साइज है, एज है। साइज में आप ले सकते हैं लार्ज, स्मॉल। ओके, एज है तो ओल्ड, न्यू। शेप है तो राउंड, ओके, डायमंड शेप्ड इफ़ यू रिमेंबर। कलर है तो एनी कलर, ब्लैक, ग्रे। ओके, ओरिजिन, मटेरियल एंड टाइप, इज दैट क्लियर? सो इस तरह के अलग अलग तरीके से आप उन्हें इस तरह से क्रोनोलॉजी में यूज़ करते हैं, इसी ऑर्डर में। अगर किसी सेंटेंस में आपको तीन चीज़ें दी हैं, कंडीशन, साइज और एज दिया है, तो पहले कंडीशन आएगी, फिर साइज आएगा, फिर एज आएगी। ओके, किस तरह से, आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं। ओके, जैसे कि अ ब्यूटिफुल ओल्ड हाउस, तो कैसा हाउस है, तो ब्यूटिफुल है, इसीलिए क्वालिटी आ गई। देखिए ध्यान से चेक कीजिए, सॉरी, यहाँ आपके पास पहले क्वालिटी है, फिर एज है, तो ओल्ड एज में आ गया, राइट? सो यहाँ पे अब आप चेक कीजिए, सो ब्यूटीफुल ओल्ड हाउस, तो ब्यूटीफुल पहले आ गया और फिर एज आ गई कि वो कितना पुराना है। दूसरा, अ नाइस क्लीन वाइट यूनिफॉर्म, क्वालिटी, कंडीशन एंड कलर। ओके, कैसी कंडीशन है, क्लीन है, डर्टी है, उस तरह से, क्लियर? सो सी, चेक हियर, क्लीन है, सॉरी, डर्टी है, ऑल राइट? क्वालिटी में वेदर इट इज़ ब्यूटिफुल, वेदर इट इज़ अगली और समथिंग लाइक दैट, इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पे हमने क्वालिटी की बात की, कंडीशन की बात की है, और साथ ही साथ हमने कलर की भी बात की है कि वाइट कलर की है, इज़ दैट क्लियर? सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ अ शाइनी न्यू रेड बाइसिकल, तो शाइनी हमारी कंडीशन हो गई। कैसी कंडीशन में है, शाइनी कंडीशन में, क्वालिटी की नहीं है, कंडीशन की बात हो रही है। न्यू तो एज आ गया और रेड मतलब कलर आ गया, इज दैट वेरी क्लियर? ओके, सिमिलरली प्रिटी पिंक ड्रेस, तो पहले हमारी क्वालिटी आ गई, ओके, एंड देन हमारा कलर आ गया, इज़ दैट प्रिटी क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इज़ दैट क्लियर? सो यहाँ आपका चैप्टर नंबर 11 जो है वो एंड होता है। सो मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस टुडे, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।